अभी आ रहे थे रास्ते में, और फिलहाल यहाँ पे देखने को मिला हमको मूवी का शूटिंग, जो कि मनोज वाजपेयी का यहाँ पे शूटिंग हो रहा है। मूवी पता नहीं है कौन सी है, लेकिन इसी वजह में मनोज वाजपेयी जो हमारे चेहरे स्टार हैं अंदर बैठे हुए हैं। अंदर मनोज वाजपेयी। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, और मज़े कर रहे होंगे तो आइए और मज़े करते हैं साथ मिलके। फिलहाल अभी चल रहे हैं हम लोहिया हॉस्पिटल। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे उत्कर्ष भैया तिवारी जी का कुछ काम था, पेपर वर्क, मतलब कुछ नंबर वंबर लगाना था, तो अभी जा रहे हैं और बाइक नीचे अपनी खड़ी है। फिलहाल निकलते हैं ज़्यादा देरी करते बिना, और आपको मिलते हैं मोटो सेटअप पे। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। और देख सकते हैं हम अपने शहर अपने लखनऊ से निकल चुके हैं लोहिया हॉस्पिटल के लिए। और ये रास्ता जो है मेन, आप समझ सकते हैं कहाँ से कहाँ जाता है। और आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये भूतनाथ वाला रास्ता है, अभी सीधे चल जाएगा लोहिया की तरफ पॉलिटेक्निक, और उसके बाद वहाँ से हम लोग इजीली अपना काम करके वापस आ जाएंगे। तो चलिए आज चलते हैं और दिखाते हैं लोहिया में क्या काम हो। ऐसे हमारे तिवारी जी का मेन काम था, मेन ये था कि रिपोर्ट लेना था उनकी नानी जी का यहाँ पे, और वही लेने हम जा रहे हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 20-25 मिनट का काम है, उसके चुटकियों में जा के वापस आ जाएंगे। फिलहाल देख सकते हैं आगे जो बच्चे हैं वैन में, वो हमारे कैमरे को देख के कब से हंस रहे हैं और एक्साइट हो रहे हैं कि ये क्या लगा है। और आजकल के बच्चे वैसे जान लीजिए बहुत तेज़ हैं। हम लोग को लगता है बस कि उन लोग को नहीं पता, लेकिन हर एक चीज़ पता है। उन लोग को पता है कि वो सब कैमरे, ये ब्लॉगिंग वाले कैमरे हैं, तो बच्चों से कुछ छुपा नहीं है। ये हमारे सामने देख पा रहे हैं वो अभी फैजाबाद रोड है, और उसके राइट साइड में आप देखेंगे तो प्लेन वाला है, HLC करके ऐसे कुछ था। और फिलहाल चलते हैं अपने मेन रूट। आप लोग देख सकते हैं आगे मेट्रो स्टेशन जो आ रहा है वो इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन है, और ये फैजाबाद वाले रोड पे हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते जा रहे हैं। सीधे अगर चल जाएंगे तो आपको गोरखपुर भी मिल जाएगा, जहाँ से हम आए हैं, हमारी धरती जहाँ से हम आए हैं, और वो मातृभूमि है, और हम इसको कर्म भूमि बनाने के लिए लखनऊ में आ गए हैं। अब देखते ये हैं कि बनता है कि नहीं। और देख सकते हैं अभी हम पहुँच गए हैं पॉलीटेक्निक। पॉलीटेक्निक में जब भी आते हैं तो रेड सिग्नल ज़रूर रहता है, और लेकिन किस्मत की बात है कभी कभी डायरेक्ट तुरंत थोड़ी देर में हम लोग को क्लियरेंस मिल जाता है। आज देखते हैं हमारा लक कितना साथ देता है कितना नहीं। ओ मोहतरमा जी, थोड़ा सा साइड दीजिए। और हम लोग साइड लेते हुए अभी यहाँ पे स्टैंड पे खड़े हैं, देखते हैं कि इंतज़ार कब तक करना पड़ेगा। ओहो, ये तो आज किस्मत लग रहा है अच्छा साथ देगी, क्योंकि पहले ही आते ही तुरंत एक सेकंड में, एक मिनट भी नहीं रुकना पड़ा और ग्रीन हो गया। और हम लोग चलते हैं अपनी मंजिल यानी कि लोहिया हॉस्पिटल। और आपको बता दें कि लखनऊ में अभी फ़िलहाल सब कुछ सही है, और चल रहा था अभी वर्ल्ड कप, तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी फ़िलहाल भीड़ सब नॉर्मल है। हाँ, दिवाली आ रही है तो आप लोग से बात करनी है कुछ दिवाली के बारे में। अभी नहीं बात करेंगे, पहले रिपोर्ट ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक पॉइंट था जो मेरे भाई मेरे दोस्त शिवम ने बताया था उसके बारे में। और आप लोग थोड़ा प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट बना दीजिए हमारे लिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही लोग हमारे जो हैं साथ देने वाले लोग हैं। अभी फ़िलहाल फिर से रेड लाइट हो गया, जैसे ही बोल रहा था कि अभी किस्मत साथ देगी, लेकिन यहीं पे आके रुक, तो फिर से चलते हैं। ग्रीन लाइट हो चुकी है, और फिलहाल ये है लोहिया मार्ग जो कि सीधे चल जाता है गोमती रिवर फ्रंट होते हुए। आप चारबाग भी जा सकते हैं इस रास्ते भी, और सीधे एयरपोर्ट पे भी जा सकते हैं। ये रास्ता बहुत ही सीधा और बढ़िया मेन रोड है, और आगे यहाँ से थोड़ी दूर पे हम लोग जाएंगे और यहाँ से कट ले लेंगे। कट लेते ही जो ब्रिज के पास से आपको लोहिया मार्ग दिख जाएगा। लोहिया मार्ग वैसे हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, ऑनलाइन भी आप नंबर लगा सकते हैं और ऑफलाइन भी लग जाता है, दोनों चीज़ उपलब्ध हैं, बढ़िया फैसिलिटी है यहाँ पे। आप लोग अगर किसी को तकलीफ़ हो, ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन आके दिखा सकते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, देख सकते हैं ये सब IT सेक्टर वाली बिल्डिंगें हैं जो कि यहीं पर इस्टेब्लिश्ड हैं। और ये देख सकते हैं इल्डिको
इल्डिको का भी यहाँ पे ऑफिस है, और इसी के जस्ट बाद ये रहा हमारा हॉस्पिटल जहाँ पे हमको काम था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान। और ये रहा रिपोर्ट। देखिए एक रेखा बस हमारे जीवन की रेखा को बदल दे रही है, सामने जो है यही रिपोर्ट है, यही लेने आए थे और यहाँ से अब चल रहे हैं अपनी मंजिल मतलब कि घर की तरफ। यही काम था और उसमें बहुत टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया लगभग। हम लोग को लगा था कि 2 मिनट का काम है, 10 मिनट का, लेकिन नहीं। और आगे देख सकते हैं, इसको हम दुबई बोलते हैं। हम जब भी आते हैं तो बोलते हैं कि हम दुबई में आ गए हैं। ये ऐसा लगता है क्यों, या तो मुंबई बोल सकते हैं, मुंबई या दुबई ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पूरी ग्लास की बिल्डिंगें, बहुत बड़ी बड़ी, आईटी सेक्टर है, पूरा हब है यहाँ पर। यहीं पे सारी कंपनियां हैं, जो भी कंपनियां आप कह सकते हैं विप्रो और फिर जो भी, और बिग डैडी आगे सामने लिखा हुआ है वहां पे, उसको पढ़ के हम बता रहे हैं, बिग डैडी कंपनी है, वो सब भी कंपनियां यहीं पे हैं। और ये मिनी दुबई है, और ये आईटी साइबर बिल्डिंग पीछे था, ये जो बिल्डिंग था वो साइबर बिल्डिंग था। और यहाँ से क्रॉस करके अब चलते हैं आगे। और हाँ, आपको बता रहे थे दिवाली के बारे में। दिवाली के बारे में बताना ये था कि आप लोग कृपया अगर दिवाली मना रहे हैं तो अच्छे से धूमधाम से मनाइए, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा उसमें, क्या कि पहले आपको रास्ता बता दें, ये है फैजाबाद रोड वाला, वही जो हम लोग घूम के आए थे वापस, अब चल रहे हैं फिर इधर। तो आप लोग को बता देंगे कि अगर दीप जला रहे हैं तो कृपया करके ये आर्टिफिशियल वाला दीप ना जलाएं। वो क्यों ना जलाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उसको बढ़ावा मिलता है, और जो हमारे ओरिजिनल, जो हमारे ज़मीन से जुड़े हुए हैं कुम्हार भाई लोग जो कि बनाते हैं मिट्टी के दिए, उसको आप लोग नहीं जलाते हैं तो उनका घर रोज़गार नहीं चल पाता है। उसी, आप लोग नहीं समझ पाते होंगे उनकी भावनाओं को, कि उसी दीपक को जब बेचते हैं, आप लोग को देते हैं, 50-60 हज़ार रुपया उन लोग का निकलता है, और उसी दीपक के कमाई से वो पूरे साल चलाते हैं। बताइए 50-60 हज़ार रुपया हम चलाना पूरे साल, बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो आप लोग कृपया उसको सपोर्ट करिए, ताकि वो हज़ारों में नहीं, वो लाखों में बेच पाएँ, ताकि उनका आराम से बढ़िया से घर चल सके। और जो लाइट वाइट यूज कर रहे हैं ये सब मत यूज किए। दीपक का महत्व ही बहुत अच्छा है, और वो क्या करता है कि आप लाइट लगाएंगे तो उससे और कीड़े मकोड़े आएंगे, लेकिन दीपक जो है बहुत ही साइंटिफिक चीज़ भी है और हमारे भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। साइंटिफिक ये है कि उस जब दीपक जलता है तो उसमें से जब रोशनी निकलती है, जलता है, तो कीड़े मकोड़े आसपास के जो हैं वो मर जाते हैं, जो ख़राब कीड़े हैं, और या तो दूर भाग जाते हैं। तो इसलिए दीपक को आप ज़रूर यूज कीजिए, और अपने आजू बाजू के दुकान को यूज कीजिए, जो भी सामान लेना है। कृपया यहाँ इस समय दिवाली के समय ऑनलाइन प्रोडक्ट ना मंगाएं, जितना हो सके अपने अगल बगल वाले दुकान से ही लें, ताकि उनका भी ग्रोथ हो। क्योंकि बड़े बड़े जो दुकान वाले हैं, जैसे ऑनलाइन आप ले रहे हैं तो उससे क्या होता है, ऑनलाइन वालों से डायरेक्ट ले रहे हैं उनका फ़ायदा हुआ, और वो कंपनी वाले से ले रहे हैं, दो ही लोग का फ़ायदा हुआ। लेकिन छोटे दुकान वाले से लेंगे आप अगर सामान कोई भी खाने पीने का, तो छोटे दुकान वाले का ग्रोथ होगा, वो उससे बड़े वाले को देगा, उससे बड़े वाले को देगा, फिर वो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी से फिर मालिक के पास, फिर सबके पास। तो मतलब 20-25 लोग का इससे फ़ायदा हो जाता है अगर आप छोटे दुकान से ले रहे हैं। लेकिन बड़े दुकान से आप अगर ले रहे हैं तो उससे सिर्फ एक ही लोग का फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ना लें कृपया करके, कम यूज करें, जो ना मिले वही भर लीजिए। और जो भाई लोग बगल वाले दुकान वाले जो काम आ जाएंगे, वो ऑनलाइन वाले नहीं आएंगे, ऑनलाइन वाले कभी उधार आपको नहीं देंगे मुसीबत के टाइम, लेकिन बगल वाले दुकान वाले ज़रूर आप मुसीबत में रहेंगे उधार देंगे और आपके साथ बने रहेंगे। वो अलग बात है, 1-2 रुपया महंगा रहता है, लेकिन क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, लाना जाना और बहुत सारे चीज़ लग जाते हैं, और कम सामान उठाते हैं इसलिए महंगा पड़ता है। और जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा सामान डायरेक्ट कंपनी से उठाते हैं, इसलिए उन लोग को सस्ता पड़ता है। तो ऑनलाइन छोड़िए, आगे आइए, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने भारत को मजबूत बनाते हैं, और अपने भारत को भारत बनाते हैं।
मेन बात ये है। और दीपक जो है उसका एक टिप है हमारे शिवम भाई, जब भाई ने हमको ये टिप दिया था कैसे दीपक में आप लोग ज़्यादा देर तक अपने दीपक को जला सकते हैं। लोग बोलते हैं कि दीपक नहीं लेंगे, बहुत तेल लेता है, तेल बहुत महंगा ही है, लेकिन दीपक जलाने का एक सही तरीका क्या है वो आपको बता दें। दीपक जलाने का सही तरीका ये होता है कि आप लोग दीपक लीजिए और अगर मान लीजिए कल जलाना है उसको, तो आज ही उसको पानी में भिगो के रख दीजिए। जब दीपक फूल जाएगा पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपका तेल कम यूज करेगा। और हाँ, उसको सुखाइए मत, डायरेक्ट भिगोया हुआ दीपक उसमें तेल डालिए, बत्ती डालिए और उसको जला दीजिए, और वो बहुत कम तेल तब एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही उसमें पानी एब्जॉर्ब है, तो तेल कहीं ख़त्म नहीं होगा। अगर ऐसे सूखे दीपक को ले आके उसमें दिए में आप तेल डाल देंगे तो ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेगा। और हमारे शिवम भाई अगर इसको सुन रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में कमेंट करके बताइए, और भी कोई टिप अगर देना हो दीपावली के दीपक के बारे में कुछ भी जानकारी देना हो तो प्लीज़ शिवम भाई आप कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और किसी के पास जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी दीजिएगा। और पटाखे उठाके जो जला रहे हैं आप लोग कृपया कर सावधानी जलाएँ, बच्चे जो हैं सावधानी छोटे पटाखे जलाएँ जो कि कम दुर्घटना होने से बच सकें और बहुत सेफ्टी से अपना दिवाली मनाएं और मिठाई उठाई खाएं, मौज करें। और खुशियों का त्यौहार है दीपावली, दीप का त्यौहार है दीपावली, और जय श्री राम। और चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अपने मंजिल। तैयार है रास्ते में, और फिलहाल यहाँ पे देखने को मिला हमको मूवी का शूटिंग जो कि मनोज वाजपेयी का यहाँ पे शूटिंग हो रहा है। मुझे पता नहीं है कौन सी है, लेकिन इसी वजह में मनोज वाजपेयी जो हमारे चेहरे स्टार हैं अंदर बैठे हुए हैं, और जो सबसे पूरी पब्लिक भीड़ लगा चुकी है। और आगे कोई फाइट वाला सीन है ये तो पता चला, क्योंकि उसके ऊपर ही हुआ था फाइट वाला सीन, अभी तो बताया गया मुझे। और यहाँ पे अंदर हैं मनोज वाजपेयी, अभी जस्ट निकलने वाले हैं, अभी हमको लेट हो रहा था जा रहे हैं, तो अगर तुरंत निकलने देख लेंगे नहीं तो फिर शायद मूवी आए तब देखा जाए कौन सा मूवी था। ये वैन की वैन उनका, इसी में है अंदर, और ऐसे ही तीन चार वैन उधर भी लगी हुई है। अंदर मनोज वाजपेयी, शायद क्लियर व्यू नहीं आया, लेकिन उसी में ब्लू ड्रेस में बैठे थे मनोज वाजपेयी, हम तो देख लिए, आपको शायद ना दिखाओ और मूवी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे लखनऊ में शूटिंग हो रही है, और ये रहा वैनिटी वैन उनका। फिलहाल देख सकते हैं आप लोग कि हम हाईवे पे आ रहे हैं, अभी गाना स्टेडियम और प्लाजी और न्यू मॉल क्रॉस भी है, और देखिए कितनी लगा है ब्रिज पे। अभी चल रहे हैं अपने घर और रूम पे, बड़ा लेट हो गया है। ये है यहाँ का अपार्टमेंट भी, और कुछ मतलब बात करने गए थे वेदांता हॉस्पिटल में, कुछ काम का बात करने गए थे वहाँ पे, और मनोज वाजपेयी जी मिल गए। बस वाला पता नहीं क्यों सारे मजा से जा रहा है, जो कि ये टूरिस्ट वाला है कभी। ये है CMS स्कूल, CMS स्कूल तो बहुत अच्छा है, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। CMS के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले देख लीजिए दयाल गेटवे, और आगे देख सकते हैं आप सिनेपॉलिस जो कि बहुत ही बढ़िया मॉल है, यहाँ पे खा पी सकते हैं आप, जब भी आएंगे खाना पीना आपको मिलेगा। और आगे है सुखमित बिल्डिंग, तो वहाँ पे होता है डिस्को डांस, जो बता रहे थे डिस्को डांस होता है, नाइट सॉन्ग, नाइट डीजे और टकीला फकीरा सब चलता है, तो यही सब होता है यहाँ पे, बियर बार वाला है सिस्टम। और जो CMS की बात कर रहे थे उसमें मैं ये बताऊँ कि फूड बहुत अच्छा है, सब मैनर है, प्रॉपर है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि उसमें बच्चों को इतना ज़्यादा मतलब प्रेशराइज किया जाता है पढ़ने के लिए, इतना उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बुक्स और कापियाँ हैं उनको पढ़ने के लिए,
और इतना ज़्यादा सिलेबस है, 3 के बच्चे के लिए बताइए कोडिंग और वगैरह वगैरह सिखाया जा रहा है, और इतना हैवी दिया गया है कि बच्चा वो पढ़ेगा क्या, वो खुद डर जाएगा और उसको बचपन से ही चश्मा लग जाएगा, इतना पावर देख पढ़ाएंगे तो पावर लग ही जाएगा। तो यही सब बात थी। वैसे स्कूल तो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बस यही है थोड़ा सा बच्चों के ऊपर इतना दबाव नहीं देना चाहिए। वो भी देखिए, कम पढ़ना तो बेकार है ही, कम तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी अगर मान लीजिए बच्चों को पढ़ा दिया जाए, छोटे बड़ा बच्चा है तो मान लीजिए समझ में आ रहा है क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस है, नॉलेज है, धीरे धीरे वो हैंडल कर लेगा, लेकिन छोटा बच्चा वो कहाँ से हैंडल कर पाएगा, उसके पास तो इतना एबिलिटी नहीं। बेचारा उसको सीखना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ सिखाना चाहिए, वो अपने आप खुद पढ़ लेगा, लेकिन नहीं, कम से कम 5 तक तो आराम से बच्चे को पढ़ाया जाए। तो भाइयों कैसे हैं आप लोग? फिलहाल हम भी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और आ गए हैं अपने घर रूम पे, और फिलहाल जा रहे थे एडिटिंग करने, सकते हैं फिलहाल जा रहे थे एडिटिंग करने, पूरा हमारा सेटअप रेडी है, अभी बस ट्रांसफ़र करेंगे फाइल। पहले आपसे मिल लें फिर बता दें क्या क्या हुआ आज, कैसा दिन रहा, उसके बाद हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। आज का बताया दिन तो बहुत अच्छा रहा, आज मज़ा आया है पूरा, बहुत दिन बाद ऐसा मतलब मिला है माहौल। तो आज हम गए थे, सुबह सुबह उठे और गए फिर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे हमारे उत्कर्ष भैया के मतलब रिपोर्ट चाहिए था उनको, तो वो रिपोर्ट ला के दिए, आप लोग देखे होंगे। फिर उसके बाद आए घर, घर से फिर निकल गए थे, काम था फिर आज, मतलब जो काम था वो भी हो गया, हम मेदांता पे गए थे, वहाँ पे काम था उधर साइड में, और आते आते हमको मनोज वाजपेयी जो बहुत बड़े मतलब कि सुपरस्टार, क्या बोले, द फैमिली मैन आप देखे होंगे मूवी वेब सीरीज, उसमें भी थे, और सबसे हिट गैंग ऑफ वासेपुर, गाड़ी निकाल चाबी कहाँ है चाबी वो वाला डायलॉग देखे होंगे, मतलब फेमस आदमी जलवा भैया, हम सामने से देखे, इतने नॉर्मल आदमी हम क्या बताएं, सिर्फ लोअर और टी शर्ट में थे, इतना सिंपल, बहुत अच्छा, मेरे दिल को भा गया, जैसे वो स्टार आपको टीवी पे देखने को मिलेंगे ना, एकदम सिंपल, इतना गजब का एक्टिंग करते हैं, सिंपल वैसे लाइफ है उनका, बहुत मज़ेदार। 2-3 तो एक्टर हैं हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, वैसे तो सब का नाम है वही एक ही चीज़, प्यार मोहब्बत वही चलते आ रहा है, कोई बढ़िया चीज़ बना नहीं रहा है कोई। अभी काला पानी एक सीरीज आया है, बहुत बेहतरीन, उसको देख के बॉलीवुड वालों को थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहिए, सीखना चाहिए, वैसे तो अपने हिसाब से लोग करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा था वेब सीरीज तो। और जैसे कि हम बता दें आपको, नवाजुद्दीन और फिर मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, ये सब जो हैं 3-4 नाम जो है बहुत ही हिट मूवी दे रहे हैं, मतलब वो सब करते हैं एक्टिंग तो लगता है कि हाँ कोई है, कोई कर रहा है। राजपाल यादव, पहले कुछ अभिनेता थे राजपाल यादव, नाना पाटेकर, ये सब जो थे, और फिर मतलब हैं अभी भी लेकिन बहुत कम, पहले जैसा नहीं रह गया, प्रिंस रावल, ये सब जो थे बहुत अच्छे थे कलाकार, इस समय तो एकदम बढ़िया में ही 3 लोग चल रहे हैं, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन और पंकज, यही 3 लोग हैं। तो ये सब था, तो और मनोज वाजपेयी देखे तो एकदम ऐसा गदगद दिल हो गया, मज़ा आ गया, सिंपल आदमी, यही सब था। और हाँ, आ रहे थे तो आपको CMS के बारे में बोल रहे थे बताने के लिए, CMS का वही था, स्कूल जो है बहुत बेहतरीन है, सब चीज़ सिस्टम सही है, दिल्ली से क्या नाम है एफिलिएटेड है, दिल्ली से डायरेक्ट इसका मेन ब्रांच, वहाँ से पेपर बन के आता है, बहुत सारा है, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि यहाँ पे आने के बाद मेन ये होता है कि सब जो बच्चे हैं ना, उन लोग को इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है, इतना प्रेशर डाल दिया जाता है उन लोग को, कि वो बेचारे सब कुछ समझ ही नहीं पाते करना क्या, लाइफ में कैसे जीना है, क्या करना है। तो यही सब बात है, आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा, सीरीज अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट जितना ज़्यादा हो पाए कुछ ना कुछ करिएगा, ज़रूर करिएगा प्लीज़। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमारा रीच नहीं बढ़ता है और वायरल नहीं जाता है वीडियो, बहुत टाइम लग जाता है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक दिन उस बुलंदी पे रहेंगे जहां आप लोग मुझे ले जाएंगे। और आप लोग देखिए, जान लीजिए जो पब्लिक होती है, आप लोग जो हैं हमारे व्यूअर्स हैं, जो वही लोग हमारे भगवान हैं एक तरह से, क्योंकि वो उन्हीं लोग की बदौलत मैं यहां तक बढ़ पाया हूं। अगर आज हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, हाँ
वो सब और आप लोग वीडियो देखते हैं उसी वजह से मैं भी आज यहाँ पे बना हूँ। वैसे तो मेरा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मेरा करने का हमेशा से मन रहा, मेरा पैसन है थोड़ा सा उसको करना, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो और अच्छे से कर पाएंगे बढ़िया जगह पे। अभी छोटे ग्राउंड पे करते हैं, आगे चल के बड़े ग्राउंड पे करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वही है ना कि जब तक मनी भाई मतलब कि धन जब तक नहीं बढ़ेगा, नहीं साथ देगा, तो आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो आप लोग कृपया करके सपोर्ट बनाए रखें, और आपको कुछ अच्छा हम भी करने ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, मुझे भी पता है आप लोग निराश हैं, इसीलिए नहीं आप इतना आगे सपोर्ट कर पा रहे हैं। आप लोग की भी गलती नहीं, गलती मेरी है, मैं अपनी गलती को मान रहा हूँ, तो कोशिश करता रहूँगा, अभी कर रहा हूँ, शायद किसी एक दिन मैं भी अच्छा बना पाऊँ और आप लोग भी हमको सपोर्ट कर पाएँ अच्छे से। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।